भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बाबा जगन्नाथ की जय। मां बूढ़ी ठाकुरानी की जय। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने स्वर्णिम इतिहास से प्रभावित है। अब हमारा यह भारत उस इतिहास को दोहराने और अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, दुनिया के बड़े बड़े संगठन और दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब यह डंके की चोट पर बोलते हैं कि दुनिया में 21वीं सदी यदि किसी की बनने जा रही है तो भारत की बनने जा रही है। मैं वैसे मानता हूं भारत की विकास यात्रा में कमोबेश सभी का कोई कुछ योगदान है, लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है, इसके पहले कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, भारत की बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक नहीं लेती, भारत की बातों को अनसुनी कर दिया जाता। लेकिन कार्यकर्ता बहनों भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत की दुनिया में बनी है। और मैं समझता हूं 2014 में 25 वर्षों के बाद आप लोगों ने स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, और उसके बाद 2019 में उससे अधिक सीटों पर विजय दिलाकर फिर से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। 2014 और 2019 से भी ज्यादा उमंग और उत्साह पूरे भारत के कार्यकर्ताओं में और जनता में मुझे देखने को मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है इस बार 2024 के चुनाव में एनडीए को 400 के पार ले जाना है, और इस लक्ष्य को सामने रखकर हम सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को काम करना है। भारत पहले दुनिया में कमजोर भारत माना जाता था, लेकिन कार्यकर्ता बहनों भाइयों, दुनिया के नजरों में भारत कमजोर भारत नहीं है, बल्कि भारत एक ताकतवर भारत बन गया है। लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में आप लोगों ने कांग्रेस की हुकूमत को देखा है, एक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट कांग्रेस की हुकूमत में निरंतर गहराता चला गया। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद की आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं सुनने को मिलती थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद शायद ही कभी आपको कोई बड़ी ऐसी कोई घटना सुनने को मिल जाए, नहीं तो आतंकवादियों, उग्रवादियों और नक्सलवादियों के भी हौसले पस्त हो गए। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।